हेलो एवरीवन गाइस किसी व्यूवर ने पूछा है कि सर जिरण के बारे में बताइए हालांकि बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फिर भी देखते हैं गाइस जरेंड मतलब नाम में क्या रखा है सिचुएशन में आपको समझाता हूं कि इस्तेमाल कैसे होता है मतलब कि जब आप सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं वर में आईएनजी से तो वो जिरण होता है कई बार पार्टिसिपल भी होता है तो लोग कन्फ्यूज होते हैं तो हालांकि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का, का काम करेगा जिरण आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, का काम करता है चलिए गाइस मैं आपको ऑन स्क्रीन सिखाता हूँ देखिए यहां पर मैंने लिखा है जिरंट और यहां पर ये एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो आपको समझना है कि कैसे काम करेगा यहां पर लिखा है कि वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज तो वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज हम इज को देखेंगे इज हमारा क्या है वर्ब है तो इस वर्ब से जो पहले होगा ये हमारा सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट हम अधिकतर सब्जेक्ट कैसे देखते थे हम सब्जेक्ट ऐसे देखते थे जैसे कि ही इज अ या he is my friend. अगर मैंने ऐसे बोला he is my friend, तो हम he को देखते थे कि चलो he एक subject है तो जरूरी नहीं है कि बार बार आपको सीता ही आएगा आपको सब्जेक्ट बड़े बड़े दिखाई देंगे हो सकता है वो नाउन फ्रिज हो, हो सकता है वो नाउन क्लॉज हो, हो सकता है वो इन्फिनेटिव हो, हो सकता है वो जिरण हो तो यही आपको समझना है इस तो आप ये छोटा मोटा तो जानते है कि लेकिन यहां पर आ गया कि वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज तो इसका मतलब है कि वॉक करना एक एक्सरसाइज है जो लोग हिंदी मीडियम में सोचते हैं वो इसकी पहचान पे जाते हैं कि कुछ भी करना ना पे ख़त्म होगा ना पे ख़त्म होगा और अंग्रेजों के हिसाब से वो एक प्रोसेस को मानते हैं कि ये प्रोसेस तो जो जो भी प्रोसेस होगा जो वो एक्टिविटी होगी उसमें वाई एन जी लगाएंगे जैसे खाना पकाने का प्रोसेस होगा तो कुकिंग बोलेंगे नाचने का प्रोसेस होगा तो डांसिंग बोलेंगे Uh, uh, बोलने का प्रोसेस होगा तो स्पीकिंग बोलेंगे तो अगर उनको उस प्रोसेस को एज अ सब्जेक्ट दिखाना है कि ये जो प्रोसेस है यानी कि जो कुकिंग है ये डांसिंग है ये ड्रिंकिंग है ये स्पीकिंग है इसके बारे में अगर कुछ बताना है तो वो आईएनजी लगा करके ही बोलेंगे कि स्पीकिंग इज ब्लाबलाबला स्पीकिंग गिवस ब्लाबलाबला तो आप समझ में आ रहा आपके यानी कि जब हम मुंह खोलते जो पहला शब्द बोलेंगे वो हम इस वर्ब में आईएनजी लगाकर बोलेंगे क्यों बोल रहे हैं अंग्रेजी के हिसाब से हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें इस प्रोसेस के बारे में कुछ कहना है कुछ बताना है हिंदी मीडियम में जाएंगे तो ना ने नी पे खत्म होगा अंग्रेजों के हिसाब से जरा सोचें आप देखिए ये वॉकिंग है हमें वॉक के बारे में कुछ कहना था वॉक टहलने के बारे में कहना था तो हमने वॉक में आई लगा दिया यही तरीका है हम डायरेक्ट वॉक नहीं कह सकते हैं हमें वॉक के बारे में कुछ कहना है तो हमें उसमें आई एन जी लगाकर उसको एक सब्जेक्ट बनाना होगा समझ में आ रहा है डायरेक्ट वॉक रहेगा तो तो हमारा वर्ब हो गया हमें वर्ब में आई एन जी लगाएंगे जो कि वॉकिंग अपने आप में लग रहा है ना वर्ब ही है ये लेकिन ये वर्ब है बट काम ये नाउन का कर रहा है क्योंकि सब्जेक्ट कौन होता है सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या वो नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लॉज होगा या जो प्रोनाउंस होते ही शी इट आप खूब जानते हैं तो आपको उसको नाउन बनाने के लिए सब्जेक्ट बनाने के लिए आई लगाना पड़ेगा ये आपको समझना है अब अगर यहां एक प्रोसेस है स्टॉकिंग देख रहे हैं स्टॉकिंग गर्ल्स इज अ क्राइम स्टॉक का मतलब होता है पीछा करना तो यहां लिखा हुआ है कि भाई लड़कियों का पीछा करना है क्राइम है एक, एक, एक गलत है ये क्राइम है जुर्म है तो स्टॉकिंग क्यों लिखा है स्टॉक क्यों नहीं लिखा है क्योंकि हम उस पीछा करने के प्रोसेस के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी एक्टिविटी है तो उस एक्टिविटी को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं वही हमारा मेन एक्टिविटी है तो हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा अगर आईएनजी हम नहीं लगाएंगे तो वो नहीं बन पाएगा वो एक्टिविटी हम नहीं दिखा पाएंगे हालांकि इन्फिनेटिव का भी एक ऑप्शन होता है बट फिलहाल हम जिरंट की बात कर रहे हैं यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसी एक्शन को एक्शन को आप ठीक है। लेकिन स्टॉक अपने आप में वर्ब तो है ही तो इस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होगा जैसे कि स्टॉक गर्ल्स लड़कियों का पीछा करना इज अम तो हम इसको देख रहे वर्ब है तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है तो हमारा ये स्टॉकिंग है ये स्टॉकिंग हमारा सब्जेक्ट है हम इस गर्ल्स को नहीं देखेंगे हम गर्ल्स के हिसाब से यहां पर आर नहीं लगा सकते हमें गर्ल्स को नहीं देखना है हम इस स्टॉकिंग को देखना है हम बात कर रहे हैं उस पीछा करने की एक्टिविटी को एक्टिविटी की तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं तो स्टॉकिंग अगर खाली स्टॉकिंग भी रहता तो स्टॉकिंग इज अ क्राइम लेकिन स्टॉकिंग किस को तो स्टॉकिंग गर्ल्स यानी कि लड़कियों का पीछा करना एक क्राइम है एक और देखिए डांसिंग इज ग्रेट फन अब हम इसको देखेंगे हमारा इज क्या है वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या होगा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट हमने अब तक क्या देखा है राम सोहन माय फ्रेंड योर फ्रेंड बिल्डिंग ये सब हमने सब्जेक्ट देखा है लेकिन यहाँ पर क्या है डांस में आईएनजी लगा है तो डांसिंग क्यों है क्योंकि हम एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं एक नाचने की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट है तो हमें इसमें आईएनजी लगाना होगा कि okay? डांसिंग यानी कि नाचना हिंदी मीडियम से अगर सोचेंगे तो ना पे खत्म होता है नाचना इज़ अ ग्रेट फन एक अच्छा फन है इज अ ग्रेट फन उसी तरीके से है कि कुकिंग इज माई हॉबी यानी कि मेरी हॉबी क्या है खाना पकाना मेरी हॉबी है तो मैं किस एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ खाना पकाने की एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ ये जो इज है इसका सब्जेक्ट कौन है ये खाना पकाना है इस एक्टिविटी को दिखाने के लिए मुझे कुक में आई लगाना पड़ेगा कुक मतलब खाना पकाना आई लगा देंगे तो वो एक सब्जेक्ट का रूप रूप बन जाएगा यानी कि वो एक नाउन का, का काम करेगा ये वर्ब नहीं है नाउन है दिख रहा है वर्ब बट है ये नाउन तो कुकिंग इज माई हॉबी खाना पकाना मेरी हॉबी है यहाँ है

ये हमारा सब्जेक्ट है अगर मैं इस ग्लोब के बारे में कुछ बोलूंगा कि दिस ग्लोब इज अट्रैक्टिव तो हमने इस ग्लोब के बारे में बोला अट्रैक्टिव कौन है ग्लोब है लेकिन मुझे कभी ऐसा मतलब बोलने का मौका मिलेगा जहां पर कोई चीज ना हो कोई एक्शन हो तो हमें आई लगाना पड़ेगा तो अगर मैं बोलूं कि आ, टच करना टच करना एक बुरी आदत है अगर मुझे ऐसा बोलना है तो हम अभी किसके बारे में बात करें बुरी आदत क्या है टच करना बुरी आदत है तो टच तो हमारा वर्ब है ना ये टच इस तरीके से कोई चीज नहीं है तो हमें उस वर्ब को चीज बनाना है वर्ब को नाउन बनाना है। जैसे ये एक नाउन है ना हर एक चीज न, जी, क्या है माउस ये एक नाउन है जो भी आप देखते हैं सब एक नाउन है ना वो सब्जेक्ट है लेकिन ये हमारा दिख रहा है फिजिकली दिख रहा है चीज है तो सब्जेक्ट है लेकिन कोई एक्शन है उसको हमें सब्जेक्ट बनाना होगा तो आई लगा दीजिए ना टच है तो टचिंग कर दीजिए तो टच करना एक अगर क्राइम है तो टचिंग इज अ क्राइम या टच करना अच्छी बात नहीं है टचिंग इज नॉट गुड इस तरीके से आपको बोलना होगा तो यहां पर है कि कजोलिंग एनी गर्ल कैन बी डेंजरस किसी भी लड़की को कजोल करना उसको पटा लेना डेंजरस हो सकता है स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे गिवस यू कॉन्फिडेंस अब यहां पर लिखा है कि गिव्स गिव्स हमारा क्या है वर्ब है तो इस वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा कितना बड़ा सब्जेक्ट है स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे इसके अंदर हम बात कर रहे हैं स्पीकिंग की बोलने की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो स्पीकिंग हमारा एक नाउन की तरह काम कर रहा है यही हमारा सब्जेक्ट है तो स्पीकिंग बोलना क्या बोलना इंग्लिश कब बोलना हर रोज तो हर रोज अंग्रेजी बोलना गिव्स यू कॉन्फिडेंस आपको कॉन्फिडेंस देता है तो ये एज अ सब्जेक्ट में आपको गिनवा रहा था क्लियर समझ में आ गया एज अ सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट मतलब कि जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं हम बता रहे हैं कि यार चढ़ना पेड़ पे चढ़ना एक एक्सरसाइज है भाई तो हम बात पेड़ की नहीं कर रहे हैं हम बात चढ़ने की कर रहे हैं तो फिर हमें चढ़ने की इंग्लिश क्या होती है क्लाइम क्लाइम हमारा वर्ब है अब हम बात अगर चढ़ने की करें एक सब्जेक्ट के रूप में तो हमारी मजबूरी है कि हमें क्लाइम में आई लगाना पड़ेगा तो हम क्या बोलेंगे क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री इज अ गुड एक्सरसाइज एक अच्छा एक्सरसाइज समझ में आ रहा है तो आप पूरे अपने घर में देखिए जो भी एक्शन है उसको सब्जेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए तो आपको जिरण यूज करना आ जाएगा जैसे आप किचन में जाते हैं ओके आप, आप ऐसे बेलते हैं रोटी बेलते हैं तो आप, आप बोलो कि यार रोटी बेलना यू you नो know, रोटी बेलना बहुत मुश्किल है तो आप बात रोटी की नहीं कर रहे बात उस एक्टिविटी कर रहे हैं बेलने की एक्टिविटी कर रहे हैं तो रोल मतलब बेलना होता है तो आप उसमें आई लगाएंगे कि रोलिंग चपाती इज रियली वेरी डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट है ओके okay? uh, कमरे को आप साफ करते हैं तो आपको कहना है यार कमरे को इस कमरे को साफ करना बहुत मुश्किल काम है तो इस कमरे को साफ करना बात हम कमरे की नहीं कर रहे हैं बात हम कमरे को साफ करने की कर रहे हैं तो साफ करना मतलब क्लीन तो हमें क्लीन में आई एनजी लगाना होगा क्लीनिंग दिस रूम इज वेरी डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट तो आप समझ चुके होंगे कि एज अ सब्जेक्ट हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम उसके बारे में कुछ कह रहे हैं ठीक है जी चले मैं आपको बोर नहीं करता हूं दूसरा इसका रूल है एज एन ऑब्जेक्ट कई बार हम बातें करते हैं और एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी आई लगाना पड़ता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि ही लाइक्स रीडिंग पोएट्री तो ही लाइक्स उसे पसंद है तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया वो पसंद करता है लाइक्स हमारा वर्ब हो गया लेकिन वो क्या पसंद करता है जैसे मैं कहता हूं कि कुछ है आई लाइक दिस माउस कुछ है ही नहीं आई लाइक दिस माउस तो मैं लाइक like के बाद माउस कह रहा हूं माउस हमारा क्या है एक चीज है एक नाउन है माउस एक नाउन है नाउन यानी कि ये सब्जेक्ट भी बन सकता है ऑब्जेक्ट भी बन सकता है तो फिलहाल यहाँ जो माउस है ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है कि आई लाइक like

तो अगर मुझे बोलना है कि मुझे रीडिंग पढ़ना पसंद है तो मुझे पसंद है आई लाइक like, पढ़ना तो रीड मतलब पढ़ना होता है हम आई एंज लगाएंगे वो एक नाउन बन जाएगा तभी वो ऑब्जेक्ट का रूप धारण कर पाएगा नहीं तो कैसे करेगा मैं कैसे कि आई लाइक रीड नहीं हो सकता ना तो आई लाइक like, मुझे पसंद है रीडिंग जैसे मैं रीडिंग बोलूंगा आई एंज लगा दूंगा ये जिरंड हो गया ये यहां पर नाउन का काम कर रहा है इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह बैठा रहे हैं कि आई लाइक रीडिंग जैसे आई लाइक द माउस उस तरीके से आई लाइक रीडिंग समझ रहे हैं आप तो ही लाइक्स रीडिंग पोएट्री यानी कि उसे पोइट्री रीड करना पसंद है तो यहां पर रीडिंग क्या है है एक ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है. समझ रहे ओके आई एंजॉय एंजॉय फ्लाइंग काइट्स आई आई मैं I क्या है सब्जेक्ट है एंजॉय क्या है वर्ब है कि मैं एंजॉय करता हूं मैं क्या एंजॉय करता हूं फ्लाइंग यानी कि उड़ाना उड़ाना मैं एंजॉय करता हूं क्या उड़ाना काइट्स तो आई एंजॉय मैं पसंद करता हूं ये फ्लाइंग मेरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये एंजॉय का ऑब्जेक्ट है कि आई एंजॉय वॉट आई एंजॉय फ्लाइंग मुझे उड़ाना मतलब मैं उड़ाना एंजॉय करता हूं उसके बाद क्या उड़ाता हूं तो इस फ्लाई का अपना एक और ऑब्जेक्ट है जो कि काइट है क्योंकि फ्लाई ठीक है यहां पर फ्लाइंग हमारा एक नाउन का काम कर रहा है लेकिन इसका गुण कहीं ना कहीं, कहीं वर्ब वाला भी तो है तो इसका अपना एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे फ्लाई का अपना ऑब्जेक्ट काइट एंजॉय देखिए एंजॉय वर्ब है और फ्लाइंग तो आप आप आपका ऑब्जेक्ट है मतलब उड़ाना क्या उड़ाना तो कुछ भी उड़ाना मैं उड़ाना पसंद करता हूं ठीक है जी यू शुड स्टॉप प्लेइंग यू शुड स्टॉप तुम्हें रोक देना चाहिए क्या रोक देना चाहिए स्टॉप वॉट स्टॉप हमारा वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट होगा ना यू शुड स्टॉप प्लेइंग यानी कि तुम्हें खेलना रोक देना चाहिए तो यहाँ पर प्लेइंग क्या है एक नाउन का काम कर रहा है एक ऑब्जेक्ट बनने के लिए इसका नाउन होना जरूरी है इसलिए हमने प्ले में आई एनजी लगाया तो जिरण देख रहे हैं कभी सब्जेक्ट का, का काम करेगा तो कभी ऑब्जेक्ट का, का काम करेगा सब्जेक्ट का जब काम करेगा तो हम उसके बारे में कुछ बता रहे हैं किसी प्रोसेस के बारे में तो हम आई से शुरू करते हैं और जब ऑब्जेक्ट का काम करता है तो भी कोई ना कोई वर्ब उसको इंपेक्ट कर रहा है यानी कि मैं कह रहा हूं कि आई लाइक डांसिंग तो भाई मैं पसंद करता हूं क्या पसंद करता हूं तो नाचना तो कहीं ना कहीं वो नाचना हमारा एक ऑब्जेक्ट है इस लाइक like का तो हमें आई लगाना पड़ रहा है ये जिरंड है उसके बाद ये यूज एक्सक्यूज मी उसके बाद यूज होता <coughs> है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन यानी कि अब तक जो आप देख रहे थे वर्ब के बाद आ रहा था जैसे इन्जॉय है तो एन्जॉय के बाद फ्लाइंग आ गया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है कई बार प्रेपोजिशन होगा और प्रेपोजिशन जब भी होगा रट लीजिए इस बात को प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी आपको एक्शन दिखाने का मौका मिले तो आपको आई एन जी लगाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रपोजिशन के बाद भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट नाउन होगा या प्रोनाउन होगा और नाउन होगा लेकिन अगर एक्शन की फीलिंग है तो हम उसमें आई लगाएंगे तभी वो नाउन का काम करेगा समझ of, यहाँ आप रहे चलिए शी इज फॉन्ड ऑफ यहां पर ऑफ आप देख रहे हैं तो ऑफ के बाद यहां पर लिखा हुआ है स्विमिंग कि शी इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग यानी कि वो शौकीन है स्विमिंग की उसे शौक है किसका तो स्विमिंग का तो ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमें कोई ना कोई नाउन चाहिए था लेकिन हमें दिखाना है तो स्विम में आई लगा देंगे तो उसने मुझे रोका किस चीज से रोका खेलने से रोका तो फ्रॉम हमारा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई एक्शन दिखाना हो तो आपको आई लगाना होगा ताकि वो एक नाउन बन पाए

माई फादर्स इंटरेस्ट इन कुकिंग विद ऑर्गेनिक इन्ग्रीडियंट्स वॉज इंस्पायर्ड बाई फेमस कुक बुक बार बार फोन आ रहा है इस माई फादर्स इंटरेस्ट मेरे पिताजी का जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट का मतलब कि उनकी जो दिलचस्पी है किस चीज में है तो इन कुकिंग कुकिंग में है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुकिंग इन हमारा क्या है प्रपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आ रहा है कुकिंग आई आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें वर में आई लगाना होगा अगर एक्शन हम दिखाना चाहते हैं तो माय फादर्स इंटरेस्ट इन कुकिंग मेरे पिताजी का जो इंटरेस्ट है दिलचस्पी है कुकिंग में खाना पकाने में विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स जहां पर ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आज इंस्पायर्ड वो इंस्पायर्ड है बाय फेमस कुकबुक एक अच्छे कुकबुक से इंस्पायर्ड अब है ही रस्ट आउट ऑफ द रूम विदाउट सेइंग अ वर्ड he rushed out of the room यानी कि वो रूम से बाहर चले गए विदाउट सेइंग अ वर्ड बिना एक वर्ड कहे हुए तो विदाउट हमारा क्या है प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद क्या आया है सेइंग आया है तो हमारा ये वर्म में आई एन जी है तो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेपोजिशन के बाद भी आपको जिरंड लगाना पड़ता है दोस्तों आई एम सॉरी फॉर बींग लेट तो यहां पर फॉर क्या है हमारा प्रपोजिशन है और फॉर के बाद यहां पर बींग आया है जो कि एक जिरंड है तो मुझे दुख है फॉर बींग लेट लेट होने के लिए तो यहां तक समझ में आ गया चलिए आगे देखते हैं उसके बाद एज अ कॉम्प्लीमेंट भी कई बार यूज होता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जैसे मैं कहता हूँ कि ही इज अ डॉक्टर तो डॉक्टर हमारा कॉम्प्लीमेंट है उसी तरीके से मैं बोलूँ कि माई हॉबी इज डांसिंग मेरी जो हॉबी है वो डांसिंग है तो इज हमारा क्या है वर्ब हो गया ठीक है इस वर्ब के बाद यहां पर आ रहा है डांसिंग तो माई हॉबी इज डांसिंग कभी भी इज आर एम वर आता है उसके बाद कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन आएगा तो कॉम्प्लीमेंट होता है और जैसे ही इज अ डॉक्टर आई एम अ टीचर इस तरीके से तो टीचर क्या compliment है कॉम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट नहीं कहते इसको तो यहां ये भी कॉम्प्लीमेंट का, का काम कर रहा है जैसे कि इज के बाद अगर मैं कहता हूं कि आई एम अ टीचर या मैं ऐसे कहता हूं कि ही इज अ टीचर तो एक मिनट जरा यहां पर आप देख रहे हैं कि इज के बाद टीचर है तो जैसे टीचर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट है तो उसी तरीके से इस के बाद यहाँ पर डांसिंग है तो ये कॉम्प्लीमेंट का, का काम कर रहा है यानी कि माई हॉबी इज़ डांसिंग मेरी जो हॉबी है वो नाचना है तो जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो ठीक है वो अच्छा समझ लेते हैं वो ना ने, नी से अच्छा खासा समझ लेते हैं आप चाहे तो अंग्रेज़ों के हिसाब से भी समझें हिज़ पैशन इज़ गैम्बलिंग उसका जो पैशन है वो गैम्बलिंग है जुआ खेलना है तो यहाँ पर इज के बाद गैम्बलिंग आ गया जो कि जिरंड है वाट आई डोंट लाइक इज़ ड्रिंकिंग जो मुझे पसंद नहीं है वो क्या है ड्रिंकिंग मुझे पसंद नहीं है माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ यूजिंग माई स्मार्टफोन मेरा जो फेवरेट एक्टिविटी है वो क्या है यूज़ करना है यूजिंग माई स्मार्टफोन अपने स्मार्ट फोन को यूज़ करना है तो यहाँ पर मैं दिखा रहा था कि इज के बाद आर के बाद वॉज़ के बाद भी आई एन जी अगर आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है उसके बाद आता है आफ्टर पजेसिव एड एडजेक्टिव एंड एपस्ट्रॉफी एस देखिए यहां पर लिखा है कि आई पोस्पोन्ड माई मदर्स गोइंग टू डेली कई बार आपको ऐसे दिखाई देगा जैसे यहां पर है ना मदर्स जैसे आप हिंदी में कहेंगे कि आ, मुझे आ, अपने बेटे का रोना पसंद नहीं है तो आई डोंट लाइक माई सन्स क्राइम तो बेटे का रोना तो सन्स क्राइम तो अपोस्ट्रॉफी आ गया ना सन में एस उसी तरीके से अपोस्ट्रॉफी जो हो उसके बाद तो आप लगाएंगे ही उसके बाद आप जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है जैसे माई योर हिज हर इसके बाद भी आप वर्म आइंज लगाएंगे जैसे कि माई गोइंग टू मार्केट यानी कि मेरा बाजार जाना माई कुकिंग फूड मेरा खाना पकाना योर कमिंग हेयर तुम्हारा यहाँ आना तो हम ऐसे लगा सकते हैं आप, आप सेंटेंस बना लीजिए कि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा यहाँ आना आई लाइक योर कमिंग हेयर तो कितना अच्छा है आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो कभी भी योर माय हिज हर बोलना है तो उसके बाद आपको फुल आजादी है कि आप वर् में आईएनजी लगा सकते हैं जैसे आपकी सोच होगी जैसे कि हिंदी में अगर आप सोचेंगे तो ऐसे सोचेंगे ना कि मेरा आ, मेरा यहाँ पर आ, सोना उसे पसंद नहीं है यानी कि ही या शी डजंट लाइक माय स्लीपिंग हियर मुझे उसका लड़कों से बात करना पसंद नहीं आई डोंट लाइक हर talking to girls uh, boys talking to boys समझ में आ रहा है तो यहाँ पर लिखा है कि आई डोंट लाइक योर टॉकिंग टू दैट बॉय मुझे पसंद नहीं है योर टॉकिंग टू योर टॉकिंग यानी कि तुम्हारा बात करना उस लड़के से शी लाइक्स माय स्पीकिंग इंग्लिश उसे पसंद है मेरा अंग्रेजी बोलना आई लव योर सिंगिंग मुझे पसंद है तुम्हारा गाना गाना यानी कि तुम्हारा जो सिंगिंग है वो पसंद है यानी कि सिंग करना पसंद है समझ रहे तो ऐसे इस्तेमाल होता है लास्ट है कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है कुकिंग मतलब कि जो जिरण है वो लगाना ही लगाना है जैसे कि आई लव कुकिंग तो लव के बाद आपको आईएनजी लगाना है जैसे लव है लाइक है एन्जॉय है माइंड है अवॉइड है कंटिन्यू है स्टार्ट है डिले है कीप है हेट है फोगेट है इस तरीके से जो बहुत सारे वर्ब्स होते हैं इनके बाद अधिकतर आपको वर्ब में आईएनजी लगाना होता है इसी तरीके से इन्फिनेटिव वाले भी कुछ वर्ब्स होते हैं जब इन्फिनेटिव पढ़ेंगे तो सीख लेंगे जैसे आप बोल रहे हैं आई लव तो आई लव कुकिंग आई लव डांसिंग लव के बाद आपको जो जिरंट बोलते हैं आई लव गोइंग टू मार्केट आई लव टॉकिंग टू हर लाइक है आई लाइक डांसिंग आई आई लाइक डांसिंग विद हर कई लोग कहेंगे कि आई लाइक टू डांस क्यों नहीं होगा इन्फिनेटिव वाले मैं बताऊंगा कि थोड़ा फर्क होता है आई लाइक डांसिंग और आई लाइक टू डांस में क्या फर्क है आई लव कुकिंग एंड आई लव टू कुक में क्या फर्क है फर्क होता है शी एंजॉयज वॉचिंग मूवीज तो एन्जॉय के बाद आपको आई लगाना है ही डजन माइंड कमिंग हेयर माइंड के बाद आपको आई एन जी लगाना है कि उसको फर्क नहीं पड़ता माइंड नहीं करती यहाँ आने से आने से वो करता नहीं है माई फ्रेंड अवॉइड्स गोइंग आउट अवॉइड के बाद आपको आई एन जी लगाना है कि वो अवॉइड करता है बाहर जाना शी कंटिन्यू टॉकिंग कंटिन्यू के बाद आपको आई एन जी लगाना है उसने बात करना कंटिन्यू रखा ही स्टार्टेड मेकिंग टी स्टार्ट के बाद आपको आई एन जी लगाना है तो इस तरीके से बहुत सारे हैं हर मदर डिलेड मेकिंग फूड तो डिले के बाद आपको आई लगाना है शी केप्ट क्राइंग केप्ट के बाद यानी कीप के बाद आई लगाना है कि रोती रही माई नेवर हेट्स टॉकिंग टू मी हेट के बाद आई लगाना है कि उसे पस मतलब वो हेट करती है मुझसे बात करना आई फॉरगॉट गिविंग हिम मनी फॉरगेट के बाद आपको आई लगाना है फॉरगेट के बाद टू भी लग सकता है आई फॉर गॉट आई आई फॉरगॉट टू गिव हिम मनी तो फर्क होता है दोनों में उस पर वीडियो बना दूंगा तो जिरंड आई होप कि आप समझ गए होंगे तो जिरंड के कितने रूल मैंने आपको समझा दिए यहाँ पर टोटल मैंने जिरंड के आपको पांच रूल समझाए और कुछ वर्ब्स है इनके साथ लगता है तो ऑलमोस्ट छह रूल समझ लीजिए तो यही होता है गाइस तो बस आज के लिए इतना आई होप कि आपके समझ में आया होगा अगर आप चाहे तो इसका एक ले ले सकते हैं गाइस लीजिए ओके वीडियो को बार बार देखिए आपके समझ में आ जाएगा जिरंट क्या है और और भी लोगों की वीडियोस देख सकते हैं आपको समझ में आना चाहिए किस, किसी का भी वीडियो देखें समझ में आ जाए कि जिरंट का इस्तेमाल हम जो मैंने बताया है उसमें करते हैं कि नहीं करते आपके समझ में आ जाएगा तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में टिल देन टेक केयर कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन थैंक यू